सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा से सीधा मुकाबला होगा। आज कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने पहली बार टिकट मिलने के बाद नागौर संसदीय क्षेत्र परबतसर से लेकर खरनाल तक 200 किलोमीटर तक रोड शो किया। दोस्तों इसी दौरान ज्योति मिर्धा ने हाल ही में भाजपा से गठबंधन करने वाले दिग्गज जाट नेता हनुमान बेनीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दोस्तों प्रदेश में सियासी गलियारों में सबसे खास और चर्चा का विषय इन दिनों नागौर बन गया है। दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच नागौर लोकसभा संसदीय सीट आज दिन भर चर्चाओं में रही। साथ ही नागौर लोकसभा क्षेत्र से जाट नेता स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने रोड शो के जरिए अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार नागौर पहुंची कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा का प्रबसर मकराना कुचामन डेढ़वाना जायल नागौर में जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और RLP का गठबंधन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जिसमें इस बार बेनीवाल एक्सपोज हो गए हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे, आज खुद भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब RLP के कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा डॉक्टर ज्योति मिर्धा का टिकट फाइनल करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नागौर सीट से गुटबाजी के कारण कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल को नागौर संसदीय सीट से NDA का प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।